हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आम रिव्यू में। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक मजेदार वीडियो। हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फोन्स विच आई फील आर द बेस्ट अंडर 15,000। वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमारा क्राइटेरिया जिसके बेस पे हमने फोन सेलेक्ट किए हैं, आम रिव्यू क्राइटेरिया फॉर फोन्स लेस देन 15,000 रुपीज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका रेयर कैमरा, वो मेरे को लगता है कि मिनिमम 48 मेगापिक्सल से ऊपर होना चाहिए। मैं प्राइमरी कैमरा की बात कर रहा हूँ, आजकल 4-4, 5-5 कैमरे आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सेंसर, और एक्चुअली मेगापिक्सल पे फोटो की क्वालिटी डिपेंड नहीं करती है, सेंसर्स पे डिपेंड करती है एंड इमेज प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है, बट स्टिल होना चाहिए ठीक ठाक मेगापिक्सल। देन चलते हैं फ्रंट और सेल्फी कैमरा की तरफ। सेकंड क्राइटेरिया है फ्रंट और सेल्फी कैमरा का मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसका प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे कैसे प्लेस किया गया है ऑन द स्क्रीन। थर्ड क्राइटेरिया इज रैम, इतने पैसे में मुझे लगता है 6 GB कम से कम मिलना चाहिए रैम। बैटरी स्वीट स्पॉट होता है 4000 mAh, अकॉर्डिंग टू मी ठीक ठाक चलेगी, वन डे का बैकअप रहेगा विद ऑप्टिमल यूसेज, बार बार आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। बड़ी बैटरी लेंगे, बड़ा चार्जर चाहिए, इसलिए मिनिमम 15 W का चार्जर होना चाहिए, अदरवाइज चार्ज ही करते रहेंगे, दिन भर चार्ज ही करते रहेंगे तो यूज कब करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपका आता है फुल एचडी डिस्प्ले, एचडी डिस्प्ले, अमोलेड डिस्प्ले है, सुपर अमोलेड डिस्प्ले है, तो ये देखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोसेसर, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे। उसके बाद आता है रोम रीड ओनली मेमोरी, मतलब मोबाइल की हार्ड डिस्क काइंड ऑफ, मतलब आपका मोबाइल कितना डेटा रख सकता है इंटरनली विदाउट यूजिंग द एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, तो मिनिमम 64 GB होना चाहिए। आजकल बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, फाइल्स बड़ी बड़ी हैं, सब कुछ HD, सुपर HD, अल्ट्रा HD, 8K, 4K, 8K, 16K होता जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है रिफ्रेश रेट, तो आपकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज होता है। सो गाइज, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट फोन इन द लिस्ट, ये है सैमसंग F41। हाँ, इस फोन को इसमें रखा गया है क्योंकि जो लोग नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हैं, जिनको चाइनीज फोन नहीं लेना है, वो सैमसंग ले सकते हैं। सैमसंग एक अच्छा ब्रांड है। यहाँ पर इस फोन में आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, 6 GB की रैम आती है इसमें, 6000 mAh की बैटरी है, टाइप सी चार्जर है 15 W का, 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसमें, एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर है, 64/128 GB वेरिएंट रोम में ये आता है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपटू 512 GB यूजिंग एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, 60 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है इसमें आपको। इस फोन को मैंने इस लिस्ट में रखा है क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, अच्छा है, सैमसंग से फोटोज अच्छे आते हैं, सैमसंग अच्छा कैमरा यूज करता है। यहाँ जो भी पॉइंट्स हैं जो रेड में हाईलाइटेड है वो इसकी USPs हैं, फोन की ऐसे जो भी रेड में हाईलाइटेड रहेंगी वो फोन की USP रहेगी। एंड देन 6000 mAh की बैटरी है, बैटरी काफी बड़ी है, विच इज अ गुड पार्ट। देन यहाँ पर सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको, तो इस प्राइस पॉइंट पे सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलना इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव कर सकता था सैमसंग, अगर वो चीज़ें डाल देता तो ये फ़ोन धमाका कर देता, जैसे कि 15 W चार्जर की जगह इससे बड़ा चार्जर डाला होता तो ये बैटरी काफ़ी तेज चार्ज होती है, अभी बहुत टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटे लगेंगे इसे चार्ज होने में, तो एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है यहाँ पर। और इसका जो प्रोसेसर है, क्योंकि मैं भी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग M31s, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उसका भी फुल रिव्यू कर चुका हूँ, उसमें भी एक्सिनोस प्रोसेसर और जो बॉटल नेक बन जाता है, तो आपको वहाँ एक मज़ा नहीं आएगा। सो गाइज, प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट फोन इन द लिस्ट जो कि है POCO का X3। हाँ जी, POCO का X3। यहाँ आपको मिलता है इस फोन में 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल है और बाकी 3 कैमराज हैं, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, डॉट डिस्प्ले है, ये यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट है, 6 GB की आपको रैम मिल जाती है इस फोन में, 6000 mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी है, टाइप सी चार्जर है 33 W फास्ट चार्जर भी है, 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, बट अमोलेड सुपर अमोलेड डिस्प्ले नहीं है। यहाँ मिलता है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, विच इज द ट्राइड एंड टेस्टेड गजब का प्रोसेसर, तो यहाँ प्रोसेसर एक हाईलाइट है, 64/128 GB रोम के वेरिएंट हैं, जो आप एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 512 GB यूजिंग, आपको पता है कैसे, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है भाई, 120 Hz का रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट समझने के लिए मैं एक छोटी सी क्लिप है, ये देखिए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या वैल्यू है रिफ्रेश रेट। ये फोन इस लिस्ट में है क्योंकि यहां पर 6000 mAh की बैटरी है, 33 W का चार्जर है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेस को बहुत आराम से हैंडल करने वाला जबरदस्त ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, जो उस प्राइस पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा है।
जो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगी, वरना ये फोन तबाही मर जाता, तहलका हो जाता। इसमें बस सुपर अमोलेड डिस्प्ले हो जाती ना, मजा आ जाता। तो दोस्तों, प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट फोन इन द लिस्ट, एक्साइटेड? चलिए देखते हैं। तो यह है रियलमी का नार्जो 20 प्रो। इस फोन की हाइलाइट्स हैं, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा बट डॉट डिस्प्ले है, मतलब कि पंच होल डिस्प्ले है। 6GB की रैम है, 4500mAh की बैटरी मिल जाती है आपको, टाइप सी चार्जर मिलता है 65W का। कोई फोन इस रेंज में 65W का चार्जर दे रहा, यही इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। फुल एचडी डिस्प्ले है इसमें, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है इसमें 6.5 इंच की। मीडिया टेक का हेलियोस G90 प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी अच्छा है। 64/128GB रोम के दो वेरिएंट आते हैं, एक्सपेंडेबल अप टू 512। कैसे करते हैं एक्सपेंड आपको पता है, 90Hz का रिफ्रेश है। दिस इज वन मोर हाईलाइट ऑफ दिस फोन अंडर 15K। तो इस फोन को मैंने इस लिस्ट में रखा है क्योंकि इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 15000 के लिए बहुत अच्छा है रिफ्रेश रेट। टाइप सी चार्जर है 65W का, मतलब बहुत तेज चार्ज होगा और इस रेंज के फोन्स में इतना बड़ा चार्जर आपको नहीं मिलेगा। एंड देन डॉट डिस्प्ले है, जो कि अच्छा लगता है जब फ्रंट कैम एक डॉट की तरह दिखता है ना, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, स्क्रीन पे वीडियोस देखना अच्छा लगता है, फोन प्रीमियम फील होता है। यहां एक पॉइंट, एक चीज और ऐड की गई होती है फोन में, तो ये फोन सेल होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता था आई थिंक। एंड द नेगेटिव पॉइंट इज, या आप कह सकते हैं कि इसमें डालना चाहिए था, विच इज अमोलेड डिस्प्ले। अगर अमोलेड डिस्प्ले, सुपर अमोलेड डिस्प्ले होता ना, ये फोन मजा कर देता। सो फ्रेंड, प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट फोन इन दिस कैटेगरी, Redmi Note 10। ये है Redmi का Note 10। ये आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम विद डॉट डिस्प्ले। एक देख सकते हैं आप, एक डॉट की तरह डिस्प्ले पर ये कैमरा। 6GB की रैम मिलती है, 5000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी चार्जर है 33W का, ये भी एक हाईलाइट है। 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले, ये भी एक हाईलाइट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल रहा है 678, और क्या चाहिए। 128GB की रोम है, और क्या चाहिए, हर जगह आप 64GB देख रहे थे। एक्सपेंड कर सकते हैं 512 तक, बता चुका हूँ कैसे। 60Hz का रिफ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट यहाँ पर एक पीछे रह गया, नहीं तो ये फोन ना सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता और Redmi शायद वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन जाती फोन्स में। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश रेट अगर दे देते तो मजा आ जाता। वीडियो आप देख चुके हैं रिफ्रेश रेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो जो फोन्स मैंने आपको दिखाए उनको किसी ऑर्डर में नहीं दिखाया है मैंने। जो फीचर आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके अकॉर्डिंग हम इन चारों में से कोई फोन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताना मेरा काम है, चूज करना आपका काम है। चारों फोन अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।